नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन अब राष्ट्रीय संपत्ति होगी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में मंदिर और मठों की जमीन को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के मठों और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को अब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की तैयारी है। बता दें कि अवैध कब्जे वाले मठ और मंदिरों की जमीन को सरकार अतिक्रमण मुक्त कराएगी और उसे सरकारी संपत्ति का टैग दिया जाएगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग ने संयुक्त रूप से यह फैसला किया है। मंगलवार को इन दोनों विभाग के साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया है कि मठ और मंदिरों की 29,500 एकड़ जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि लोक भूमि घोषित किया जाए। बिहार में लेक्चरर भर्ती के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से। बीपीएससी ने जारी किया शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर भर्ती 2016 परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। बीपीएससी के नोटिस के अनुसार अलग अलग विषयों के लेक्चर पद के लिए इंटरव्यू 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक होगा। लेक्चरर भर्ती 2016 की परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार 7 दिसंबर 2021 को हिंदी विषय के इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आखिरी में सामाजिक विज्ञान के लिए 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का आयोजन विषयों के हिसाब से 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। मुजफ्फरपुर में लोगों को अंधा करने वाले अस्पताल को किया गया सील। ओटी ऑफिस और दवा दुकान में लगाया गया ताला। मुजफ्फरपुर के उस आई हॉस्पिटल में ताला जड़ दिया गया है जिसने कई लोगों की आंखों की रोशनी ले ली। बिहार के लापरवाह स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल चुके अस्पताल को मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को सील कर दिया। मुजफ्फरपुर पूर्वी के अतिरिक्त SDM की निगरानी में अस्पताल के OT दफ्तर और दवा दुकान को सील कर दिया गया है। SDM ने कहा कि जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को इस आंखफोड़वा कांड में डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाना में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन घटना के 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस पूरे मामले में बिहार के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही और असंवेदनशीलता की कहानी यही खत्म नहीं होती। मुजफ्फरपुर से पटना IGIMS में इलाज कराने रेफर किए गए मरीज को IGIMS में बेड के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बता दें कि बद इंतजामी का आलम यह था कि मुजफ्फरपुर से इलाज कराने आए कई मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मुहैया कराया गया तो वे जमीन पर ही लेट गए। बाद में जब मीडिया ने इस बद इंतजामी की तस्वीर दिखाई तो शर्मसार हुए IGIMS प्रबंधन ने उन्हें बेड उपलब्ध कराया। खाद की किल्लत को लेकर किसानों में मचा हाहाकार, जाम को बनाया अपना हथियार। सुपौल में खाद की किल्लतों से जूझ रहे किसानों ने सड़क जाम को अपना हथियार बना लिया है। यहां त्रिवेणीगंज बाजार में पिछले एक हफ्ते से लगातार आज 5वीं बार किसानों ने NH को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया है। खाद के लिए परेशान किसानों का दर्द जानने की हिमाकत किसी अधिकारियों में नहीं दिख रही है और ना ही इलाके के जनप्रतिनिधि इनके दर्द पर मरहम लगाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से किसान प्रतिदिन दूर के इलाके से चलकर त्रिवेणीगंज बाजार आते हैं और बिस्कोमान सहित बाजार में अलग अलग खाद दुकानों पर लाइन में लगते हैं। जब खाद नहीं मिलता है तो सड़क को जाम कर हंगामा करने लगते हैं। बीती देर शाम को भी किसानों ने खाद की मांग को लेकर बिस्कोमान के समीप NH को जाम कर दिया था। त्रिवेणीगंज पुलिस ने सड़क जाम कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की, उसके बाद तकरीबन एक घंटे के बाद खाद दुकानदार आए और अपनी दुकान खोलकर खाद देना शुरू किए, जिसके बाद किसानों ने सड़क जाम हटाया। स्मार्ट सिटी की धीमी रफ्तार से नाराज है CM नीतीश, अधिकारियों से बोले काम में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नगर विकास आवास एवं पटना सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी पटना के अंतर्गत 43.98 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाओं राजधानी के अदालतगंज तालाब पुनर्विकास परियोजना, जनसेवा केंद्र मंदिरी नाला का विकास, पटना स्टेशन से 440 मीटर सबवे का निर्माण और ई टॉयलेट का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 367.73 करोड़ की कुल लागत से प्रस्तावित 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी क्रमशः बिहार
सहित मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम में भी तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल नाम स्मार्ट सिटी नहीं रहना चाहिए बल्कि वह स्मार्ट सिटी होना भी चाहिए। पटना में स्मार्ट सिटी का काम देरी से आरंभ हुआ है पर खुशी है कि अब इस दिशा में भी काम हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि काम तेजी से करें। मंगोलिया से बोधगया आया विदेशी निकला कोरोना पॉजिटिव, उपराष्ट्रपति से भी मिला था शिष्टमंडल, मचा हड़कंप। मंगोलिया से बोधगया आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया है। मंगोलियाई सांसद के अध्यक्ष गोम्बोजाव झंडन सतर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने बुधवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की थी। मंगोलियाई मेहमानों ने बोधगया स्थित डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की तपोस्थली का दर्शन किया। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध का दर्शन और पूजा अर्चना की। विदेशी मेहमानों की स्वागत के लिए जिला प्रशासन की टीम जुटी रही। फिलहाल मगध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव सदस्य को भर्ती कराया गया है। पॉजिटिव शख्स को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। गया जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। डॉक्टरों ने कहा कि सैंपल को जांच के लिए बाहर भी भेजा जाएगा ताकि ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी मिल सके। पुलिस वाले को प्रमोशन नहीं दिया तो नीतीश सरकार को देना पड़ा जुर्माना, हाईकोर्ट का फैसला। पटना हाईकोर्ट ने 20 साल से रुका हुआ एक पुलिसकर्मी के प्रमोशन के मामले में जवाबी हलफनामा दायर नहीं करने पर राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश पीबी बैजंत्री ने रमाकांत राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। एकलपीठ ने 18 नवंबर को डीजीपी सब विभागीय प्रति कमेटी के अध्यक्ष को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। बता दें कि कोर्ट ने हलफनामा दायर कर स्पष्टीकरण मांगा था कि 23 सितंबर 1998 के समय से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए याचिकाकर्ता 26 सितंबर 1995 के प्रभाव से प्रमोशन के योग्य थे कि नहीं। एकलपीठ ने डीजीपी बिहार को यह भी जवाब मांगा था कि अगर याचिकाकर्ता को प्रोन्नति नहीं थी तो उसकी पीछे की वजह क्या थी। याचिकाकर्ता ने 11 दिसंबर 1998 को पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर कहा था कि वह 26 सितंबर 1995 के प्रभाव से प्रमोशन के योग्य है। इस समय अनुसूचित जाति में आने वाले इसके जूनियरों की प्रति दी गई थी जबकि याचिकाकर्ता को 3 साल की देरी के बाद प्रमोशन दी गई। याचिकाकर्ता बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड कैडर का चुनाव किया गया था और इस तरह से याचिकाकर्ता झारखंड पुलिस का अधिकारी हो गया था। शिक्षा विभाग खोलने जा रहा है नौकरियों का पिटारा, नीतीश सरकार 6,000 से ज्यादा विद्यालयों में सहायकों की नियुक्ति करेगा। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। शिक्षा विभाग बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए स्कूलों में 6,421 विद्यालय सहायकों का पद सृजित किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद इसकी जानकारी दी है। विद्यालय शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर की जानकारी वाली योग्यता के साथ की जाएगी। बहाली होने के बाद स्कूलों का साइबर कैफे और वसुधा केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को विद्यालय सहायक की मदद से हर तरह की तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रखंड स्तर पर साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नई व्यवस्था के जरिए अब विद्यालय सहायक के इन सभी कामों में मदद करेंगे। इसके अलावे विद्यालय सहायकों की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को भी पहले से दुरुस्त किया जाएगा। विद्यालय सहायक की बहाली होने से शिक्षक भी पढ़ाने के काम में अपना पूरा फोकस कर पाएंगे, उनके पास अन्य तरह के दायित्व नहीं होंगे। बालू खनन की नीलामी प्रक्रिया पूरी, बिहार के इन जिलों में जल्द शुरू होगा खनन का काम। बिहार के कई जिलों में चल रही बालू घाटों की बंदोबस्ती का काम पूरा हो गया है। पटना समेत 8 जिलों के 102 बालू घाटों पर जल्द ही खनन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर खनन का काम शुरू होने की उम्मीद है। जिन जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनमें पटना के साथ साथ सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय शामिल है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार खनिज विकास निगम ने बंदोबस्तधारियों को अग्रिम राशि जमा करने का निर्देश दिया है। नीलामी में सफल होने वाले कारोबारियों को 4 दिन के अंदर निगम के पास अपनी राशि जमा करनी होगी। नीलामी के दौरान जो बोली लगाई गई है उसकी राशि 50% जीएसटी के साथ जमा होते ही नए बंदोबस्तधारियों को वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और बालू खनन का काम वह शुरू कर पाएंगे।
बिहार में होगी जातीय जनगणना, नीतीश ने तेजस्वी को दिया भरोसा, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से लगभग आधे घंटे तक हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जानकारी दी है कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लंबे अरसे से जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने जब जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है तो बिहार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराई इसकी जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने आज एक बार फिर इसी मामले को लेकर मुलाकात की थी। तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले पर एकजुटता दिखाई है। विपक्ष की एकजुटता का ही नतीजा है कि सरकार बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार हो गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।